तो अभी शाम का टाइम है, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू बैंगन और बड़ी की सब्जी, काफ़ी यम्मी लगता है। और इधर मैंने प्याज डाल दिया है कढ़ाई में, तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं मेरा तो आज फास्टिंग है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, शाम में बनाऊंगी कुछ, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इधर मैं प्याज को भून रही हूँ, आलू बैंगन बड़ी की सब्जी बनेगा, काफ़ी यम्मी लगता है। और इधर मैंने बैंगन कढ़ाई में दे रही हूँ और एक आलू मेरा बड़ा ही रह गया, पकड़िए। तो कढ़ाई में मैं आलू बैंगन आप लोग देख सकते हैं, आलू बैंगन पक रहा है, तो थोड़ा जब भुना जाएगा तब इसमें मैं मसाले को ऐड करूंगी। और आप लोग देखिए सारा मसाला इसमें मिक्स कर दी हूँ, लहसुन, सूखा मिर्ची का पाउडर, धनिया, जीरा मरीच, हल्दी, नमक। और इधर ये मेरा बड़ी फ्राई है, जब इसमें ग्रेवी डाल दूंगी तब उसमें बड़ी को ऐड कर दूंगी। तो आप लोग बताना सब्जी कैसा बना है, दिखने में तो काफ़ी यम्मी लग रहा है। तो यहाँ बड़ी और आलू की बैंगन की सब्जी बनकर रेडी है और काफ़ी यम्मी सब्जी बना है, और आप लोग देख सकते हैं। तो और अभी सामने मैंने भिंडी लिया है, परवल लिया है, कल मैं भरने वाला बनाऊंगी परवल को भर के, तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग में। हेलो, बोल रहे हैं सर कहीं, हेलो हाय। कहाँ जा रहे हैं हम लोग घूमने? भागलपुर, भागलपुर घूमने जा रहे हैं, मॉल जाइएगा ना बाद। हाँ, उसको सम्मान निमंत्रण। मैं यहाँ फुआ के नहीं, मैं फुआ के यहाँ आ गई हूँ, फुआ मेरे से बड़ी हो गई है। गाइस फुआ खातिरदारी में लगी हुई है चाय बनाने में। चल हम भी मदद कर दे। मेरा तो मुंह भी अजीब ही लग रहा है। कोई बात नहीं, ये मेरी मौसी है, मौसी सास। हेलो। मौसी का देखिए कितना पढ़ाकू है, कितना सारा बुक है मौसी का, वाह कितना। आप बनाए मौसी? हाँ। अच्छा है, अच्छा क्राफ्ट किए हैं, काफी सुंदर है। आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ भी है, तैयारी कर रहे हैं मौसी, कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, काफी पढ़ने में एकदम ध्यान दिए है। लगे रहिए। थैंक यू। नानी का घर काफी लंबा चौड़ा है, दो पार्ट में बना हुआ है, एक इस पार में एक उस पार में। क्या इस मामा की सबसे छोटी बेटी, क्या नाम है आपका? तुम भी किस स्कूल में पढ़ते हैं? वाह बहुत अच्छा स्कूल है। ये भी बनाती है ब्लॉग, और ये भी ब्लॉग बनाती है। आप मेकअप वाला बनाते हैं तो ऐसे ही नाम नॉर्मल बनाते हैं। आइए
कहाँ से चल के आए पुआ? मोकामा से भागलपुर पूरा बोग सुनाया सुल्तानगंज पूरा सुल्तानगंज हो क्या है असरगंज हो क्या खड़गपुर असरगंज हो क्या और यहाँ रही पुआ घर नहीं लाए बारिश इतना हो रहा है घर दम के गाड़ी पर गाइस चॉकलेट का दे तो एवरीवन मैं फिर से अपनी मौसी के पास आई हूँ बट स्कूल के काम से नहीं आई हूँ घूमने के लिए आई हूँ क्या नाम है तुम वाला हाँ हम लोग आए थे बट कोई काम था फिर तुम भी गई थी हम भी गए थे झूठ बोलती है नहीं झूठ बोल रहे ज्यादा मुंह पे लिखा हुआ है मुंह पे लिखा हुआ है देखो एक बार पता है हम लोग अभी क्या खाएंगे क्या मौसी बोली मंचूरियन बनेगा सच्ची ठीक है नहीं बोलता लिसन जब वॉक करते तो टाइम नहीं देते जब टाइम देखते तो वॉक नहीं करते ऐसे ही कुछ गाइस आ लगी है कोई खोया हुआ बरसों के बाद आ गया कुछ बोलो कॉपीराइट आएगा रील्स देख रही हूँ कौन सा रील्स देख रही है कौन सा रील्स यूट्यूब स्नैपचैट और क्या पानी वाला डैम पंखा के लिए अरे यार रुको ना रील्स बना तो तब देख कर अलग अलग फिल्टर ट्राई करके वीडियो बनाई लेकिन मम्मी दे नहीं रही बोरिंग फिलोड़ा है तब क्या घर को जेल बना के रखती है घर नहीं लगता घर जाइए कुछ अच्छा बनाइए मैं खाऊंगी फिर भूख लगा है खाने के लिए मुझे कुछ नहीं बोलना है तो यहाँ आप लोग देखिए ये मेरा साड़ी ट्राई की है और झुमका पहन रही है हाँ देख रही कैसी लग रही है कैसी लग रही है और इधर नव्या भी तैयार हो गई है वीडियो बनाने के लिए अरे मौसी का ड्रेस पहनी हूँ तो ट्राई कर रही हूँ कैसी लग रही हूँ तो हम लोग कमेंट में बताओ मैं और नव्या हम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा बेस्ट लग रही है गाना वगैरह क्यों मुझे नहीं आता है तुम ना सावन का हरा मेहंदी दिखाओ मेहंदी देखो मेरा मेहंदी मैं खुद से लगाई हूँ हमको भी लगा देना ओके तो यहाँ पर पोज चल रहा है शॉर्ट्स बनाने का अरे अब हम कट सुन करा रहे हैं अरे नहीं इधर ग्रुप में लेना
और इसको आप लोग देखिए, सेल्फी लेगी। तो मैं रेडी हो गई हूँ और रील्स बनाने। क्या रील्स? चश्मा पहन लिया मेरा। दीदी का चश्मा है? नहीं मेरा। तो आप लोग देख सकते हैं फैशनेबल गर्ल्स को। रील्स बनाएंगे। आप बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रही हो मासी? वही तो। एक बान इधर। Good.